जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका रिजल्ट, जो कि कल आपका पब्लिश कर दिया गया था। ग्रुप सी, इस ड्राइवर, स्टेनो और ग्रुप डी, इन सभी पोस्ट के लिए आपका जो रिजल्ट है वो कल पब्लिश कर दिया गया था। यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली है वो कहीं हद तक ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली है, जिससे कि बहुत से स्टूडेंट के काफ़ी अच्छे नंबर थे, जबकि उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इतना कट ऑफ ज़्यादा जाने का क्या कारण रहा है? उसके बाद बात करेंगे कि टाइपिंग कब होगी, इस बात पर बिल्कुल विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। एकदम एग्जैक्ट डेट बताने वाले हैं कि टाइपिंग आपकी तब तक आपकी 100% कंडक्ट करा ली जाएगी। उसके बाद बात करेंगे ग्रुप डी का जो सेकंड पेपर होने वाला है वो आपका कब कंडक्ट होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे उन विद्यार्थियों का जिनका भी सिलेक्शन हुआ है किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो ग्रुप सी, ड्राइवर, स्टेनो या फिर ग्रुप डी, कोई भी पोस्ट हो। आप लोग का अगर सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग सेकेंड स्टेट के लिए बिल्कुल अच्छे से लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। जिस हिसाब से आप लोग स्पीड देख रहे हैं NTA की या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो आप लोग देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी हर चीज़ को कंडक्ट कराया जा रहा है। आपका 17-18 तारीख में पेपर हुआ था, उसके बाद आपकी जो आंसर की है वो 6 तारीख को आ गई, 6 तारीख के बाद आपका रिजल्ट 20 तारीख को आ गया, और जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि आपकी टाइपिंग या फिर आपका स्टेनो या फिर नेक्स्ट स्टेज जो आपका होने वाला है वो आपको कब देखने को मिल जाएगा। तो इस सभी बातों पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती ग्रुप सी के बारे में, तो ग्रुप सी में आप लोगों ने देखा जैसे कि टोटल वैकेंसी थी ग्रुप सी में, ग्रुप सी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ग्रुप सी में जो टोटल वैकेंसी थी वो थी आपकी 1021 वैकेंसी। इस 1021 वैकेंसी के तर्ज पर यहाँ पर 5920 स्टूडेंट को यहाँ पर पास किया गया है। ये इसका लगभग 5.8 गुना, यानी कि एक सीट पे लगभग 6 स्टूडेंट का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है। 5920 स्टूडेंट में से सिर्फ और सिर्फ 1021 स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट जो आपका 50 नंबर का होने वाला है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसमें 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग और 25 की आपकी इंग्लिश टाइपिंग होने वाली है। यहाँ पर 50 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिनके भी 50 में से 50 आ जाएंगे उनके सिलेक्शन की चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। मान लीजिए किसी कारणवश आपके नंबर कम थे बट आपका सिलेक्शन हुआ है या बॉर्डर लाइन केस है, तब आपको पूरा 50 में से 50 पर फोकस करना है। आप लोग किसी भी तरीके से इस पर फोकस करिए। देखिए टाइम बहुत कम बचा है टाइपिंग के लिए, जो है टाइम बहुत कम देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका जो टाइपिंग डेट है या फिर आंसर की वाली डेट है, तो आंसर के लिए हम लोग बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगी, तो आपको 6 जनवरी को आंसर की देखने को मिली थी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि आपका रिजल्ट जो है कब देखने को मिलने वाला है, तो आपका 16 से 25 मैंने बताया था, 16 से 25 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए 20 जनवरी को आपका रिजल्ट आ गया, और उस वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे कि टाइपिंग की जो डेट है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली कब तक देखने को मिल सकती है। यहीं अगर बात करें कट ऑफ की, कि ग्रुप सी की लगभग कट ऑफ क्या रही है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ नहीं बताई है कट ऑफ कितनी गई है, तो जो भी स्टूडेंट के कमेंट्स आए हैं, जिनसे भी बात हो पाई है, उनके माध्यम से यहाँ पर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या देखने को मिली। यहीं अगर हम लोग UR की बात करें, तो UR में बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था 78 है, किसी के 79 हैं, किसी के 80 हैं, उस हिसाब से। लेकिन मिनिमम जो कट ऑफ यहाँ पर हम देखने को मिली है 78, जिनके भी 78 थे UR में उनका सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। यहीं अगर बात करें OBC कैंडिडेट की, तो मिनिमम जो है स्टूडेंट वो 76 नंबर वाला स्टूडेंट है, उसके यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिला है। यहीं अगर हम लोग बात करें SC के लिए ग्रुप सी में, तो 68 नंबर वाले का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यहीं अगर बात करें EWS में 73, जिसके 73 थे, 74 थे, उनका यहाँ पर सिलेक्शन देखने को नहीं मिला है। तो आप लोग एक चीज़ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग ये कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर थे, किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनो, इनमें से किसके लिए पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, और आपकी कैटेगरी क्या थी, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि एक्चुअल में कट ऑफ गई क्या है। जिन भी विद्यार्थियों को नहीं हुआ है वो बड़ा टेंशन में है कि सर मेरे 75 नंबर थे, मेरे 76 नंबर थे, मेरा नहीं हुआ है, तो उनको ये अंदाज़ा लग सके कि एक्चुअल में कट ऑफ जो है वो कहाँ वेरी कर रही है, कितने नंबर की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट के काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर थे बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनकी टाइपिंग काफ़ी दिनों से टाइपिंग कर रहे थे, टाइपिंग उनकी प्रॉपर अच्छी हो गई थी, लेकिन उनका सिलेक्शन ना होने की वजह से काफ़ी हताश निराश हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, नेक्स्ट प्रिपरेशन करिए, नेक्स्ट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, और 100% आज नहीं तो कल आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ग्रुप सी के बाद, यहाँ पर ग्रुप डी की अगर बात करें, तो ग्रुप डी में आप लोग को पता था 1699 वैकेंसीज थी, 1699 वैकेंसी पर आपको 10103 स्टूडेंट को बुलाया गया। यहाँ पर भी लगभग 6 गुना कंपटीशन देखने को मिला है, एक सीट पे 6 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया गया है।
छः में से किसी एक स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जो होगा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यहीं अगर बात करें स्टेनो इंग्लिश के लिए, स्टेनो इंग्लिश के लिए आपके 305 पोस्ट थी, 305 पोस्ट पर 1604 स्टूडेंट को बुलाया गया, लगभग 5 गुना स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया गया है। और यहीं अगर हिंदी की बात करी जाए स्टेनो हिंदी में, तो 881 पोस्ट थी, 881 पोस्ट के लिए 4743 स्टूडेंट को यहाँ पर मौका दिया गया है। स्टेनो हिंदी के जो आपका सेकंड स्टेज एग्जाम है उसमें कंडक्ट कराया जाएगा, उसके लिए 4743 स्टूडेंट को यहाँ पर मौका दिया गया है। यहीं अगर बात की जाए ड्राइवर की, तो ड्राइवर की सिर्फ और सिर्फ 26 पोस्ट थी, उन 26 पोस्ट के लिए 89 स्टूडेंट को यहाँ पर पास किया गया, लगभग 3.5 गुना यहाँ पर हो जा रहा है। तो अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जो भी आपका सेकंड स्टेज होने वाला है वो आपका वेरी करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब आप लोग को फोकस करना है सेकंड स्टेज पर, तो कैसे आप लोग को क्या क्या करना है उन सभी बातों पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टाइपिंग, जो आपकी टाइपिंग डेट है वो आपकी कब तक आ सकती है, तो मैं आपको बता दूँ फरवरी फर्स्ट वीक में। अगर फरवरी फर्स्ट वीक में नहीं होता तो 100% आपका फरवरी सेकंड वीक में एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी कि 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, चाहे वो ग्रुप सी का हो टाइपिंग या फिर स्टेनो की टाइपिंग। ये आपकी 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपकी ये कंडक्ट करा ली जाने वाली है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पर आज है 21 तारीख, तो आपके पास 15 से 20 दिन का समय बचा है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है टाइपिंग पर, सब काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो बिल्कुल भी ये चांस आपके अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, बहुत सुनहरा मौका है। अच्छे से टाइपिंग, जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए टाइपिंग को, और कोशिश ये करिए कि 50 में से 50 कैसे स्कोर कर पाएँ। देखिए 25 की मांगी गई है हिंदी में और इंग्लिश में मांगी गई है 30 की, तो कोशिश ये करिएगा मिनिमम हिंदी में जो है आपकी 30 की स्पीड मेंटेन हो रही हो और इंग्लिश में 35 की स्पीड मेंटेन हो रही हो, तभी आप जाके एग्जाम सेंटर में आप स्पीड जो है वो 25 और 30 की निकाल पाएंगे। अदरवाइज आप बॉर्डर लाइन पे होंगे तो 100% आप वहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, नीचे आप लोग देख सकते हैं सेम वही दिया गया है, ग्रुप सी में हिंदी और इंग्लिश के लिए 25-25 मार्क की होगी, मिनिमम 10-10 नंबर लाने हैं, लेकिन उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है 50 नंबर कैसे लाए जाएँ, इन 50 नंबर पर फोकस करना है। आपके पास समय ही समय है, जितना भी समय है सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग को दीजिए, किसी सब काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग में लग जाइए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ग्रुप डी के पेपर में, तो बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि सर ग्रुप डी के पेपर में सेकेंड स्टेज के बाद टाइपिंग भी होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, यहाँ पर देखिए स्टेज वन और स्टेज टू। स्टेज वन में जो आपका सब्जेक्ट था, जो आपका पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप 100 नंबर का, वही सेम पेपर आपका स्टेज टू में भी होने वाला है, वही सेम सेक्शन रहने वाले हैं हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज और मैथ्स, यहाँ पर भी 100 नंबर का होने वाला है। तो किसी कारणवश अगर आपका पेपर जो आपका ग्रुप डी का पेपर था, हो सकता है आपका मैथ्स गड़बड़ा गई हो या फिर हिंदी गड़बड़ा गई, इंग्लिश गड़बड़ा, किस कारण से गड़बड़ाई थी वो आपको यहाँ पर फोकस करना है, और वो सेम गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। जो गलतियाँ आपकी स्टेज वन में हुई थी उनको यहाँ पर दोहराना नहीं है। जिस भी पार्ट में आपको नंबर कम आए थे उस पर फोकस करना है। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर समय है, अभी लग जाइए अच्छे से और 100% आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी आपके मन में कोई डाउट रह रहा है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अच्छा आपको स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप SM स्टडी गुरु सर्च करके भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो ग्रुप डिस्कशन करके भी अपना अच्छा स्कोर वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टेनो के लिए, ठीक है, स्टेनो के लिए जो आपका स्टेज टू होगा उसमें पार्ट ए में आपकी टाइपिंग होगी वही हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग 25 और 30 वर्ड के हिसाब से, और स्टेज टू में आपका स्टेनो का टेस्ट कराया जाएगा। स्टेनो के टेस्ट के लिए आपको जो हिंदी में दिए जाएंगे, हिंदी में आपको 80 वर्ड प्रति मिनट की स्टेनो चाहिए, उसमें 400 वर्ड होंगे, आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 80 वर्ड प्रति मिनट की आपको चाहिए। उसके बाद आपको 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी का कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश के लिए स्टेनो के लिए, तो वहाँ पर आपको 500 वर्ड दिए जाएंगे, वहाँ पर जो आपको स्पीड चाहिए वो 100 वर्ड प्रति मिनट की चाहिए, वहाँ पर भी आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इंग्लिश टाइपिंग को जो कंप्यूटर पर करना है उसके लिए आपको 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए, इसके लिए भी 50 नंबर की यहाँ पर स्टेनो का स्टेज भी होगा और पार्ट ए होगा आपका 50 नंबर का, यानी कि टोटल स्टेज जो सेकंड है वो आपका 100 नंबर का यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो फोकस यही करिए, अभी देखिए आपके पास प्रॉपर समय है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में लग जाइए, टाइपिंग करिए, स्टेनो करिए, जो भी करिए 100% फोकस ये करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग ला सकें। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो ड्राइवर पोस्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर द टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट टू द
सेटिस्फेक्शन ऑफ द सिलेक्टिंग अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर आपका जो एक ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन करा जाएगा। 26 सिलेक्शन पोस्ट थी और जबकि 89 स्टूडेंट को यहाँ पर मौका दिया जाएगा स्टेज टू क्वालिफाई करने का। उसके बाद आप यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आप लोग जिस भी पोस्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं, आपका अगर आप सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर हैं, कौन सी पोस्ट के लिए हैं, क्या कैटेगरी है। और जिसका नहीं हुआ है वो लोग भी ये कमेंट करके बताएं, सर मेरे इतने नंबर थे, इस कैटेगरी से थे, इसके लिए फॉर्म भरा था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जिससे एक कट ऑफ का निर्धारण हो सके कि एक्चुअल में कट ऑफ कितनी देखने को मिली है। बाकी आपके मन में कोई संशय, कोई डाउट, कोई परेशानी रह रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर अभी भी आपके देखें। फिर चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।